अरे वाह, चल प्लेन को थोड़ा स्कूल की सैर कराते हैं। हो गया प्लेन क्रैश, और अब हमारी क्रैश होने की बारी है। ओए, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। अरे ये स्कूल है, एयरपोर्ट नहीं, जहाँ तुम दोनों प्लेन उड़ा रहे हो। लेकिन सर, ये असली प्लेन नहीं, खिलौने वाला प्लेन है। अच्छा ब्रा, अब तुम हमको सिखाओगे? अरे क्या हुआ दुबे जी, कॉरिडोर में ही क्लास लेनी शुरू कर दी? सर, ये दोनों क्लास में कम और बाहर ज्यादा होते हैं ना, इसीलिए इनकी क्लास बाहर ही लेनी पड़ती है। अरे भाई, लेकिन हुआ क्या है? सर, ये दोनों स्कूल में प्लेन उड़ा रहे थे। सर, क्योंकि हम नहीं उड़ सकते है ना, इसलिए सोचा कि प्लेन ही उड़ा ले। किसने कहा तुम उड़ नहीं सकते? अरे सर, ये तो पहले ही सारे स्कूल में उड़े उड़े फिरते हैं, इन्हें और मत उड़ाइए। एक मिनट रुकिए दुबे जी, तुम लोगों को हवा में उड़ना है ना, तो हम उड़ाएंगे। अब पता चलेगा तुम दोनों को, हम तो तुम दोनों को सिर्फ मुर्गा बनाते थे, लेकिन सर तुम्हें कबूतर बनाएंगे। ये देखो लेटर, अपने स्कूल के बच्चों को राजधानी जाना है 26 जनवरी की परेड के लिए। तो अब आप सबसे अच्छी फ्लाइट के टिकट्स बुक करा दीजिए। हाँ हाँ सर, करा देंगे, लेकिन बहुत महंगे वाले टिकट मत निकालना। हाँ, जरा स्कूल के बजट का भी ध्यान रखो, समझे? आज जी सर, समझ गए। कितना बड़ा प्लेन है ये, और सबसे फास्ट भी। ये दुनिया का बेस्ट प्लेन है। मैंने सुना है प्लेन में सबको आइसक्रीम, चॉकलेट्स, बर्गर, जो भी खाना चाहे वो देते हैं। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, मैं तो हमेशा ही प्लेन से आता जाता हूँ। लेकिन हमारे लिए है, मैं पहली बार बैठूंगा प्लेन में। जीवा अगर प्लेन में बैठेगा तो इसके वजन से प्लेन उड़ेगा ही नहीं। अरे जल्दी जल्दी चलो, प्लेन टेक ऑफ होने का टाइम हो गया है। अरे ये कहाँ ले जा रहे हैं हमें? अरे बॉस रुक, हमारा प्लेन पीछे गया। ये कौन सा प्लेन है दुबे? सर, ये हमारा प्लेन है। ये खटारा, अरे कोई अच्छा प्लेन नहीं मिला क्या? सर, आप ही ने तो कहा था कि बजट का ध्यान रखना, और हमारे बजट में यही आया। कितनी गंदी स्मेल आ रही है। इतने तो अति हमारी स्कूल बस है, जिसके सिर्फ टायर फटे हुए हैं, सीट नहीं। दुबे जी, लगता है आपने फ्लाइट की जगह भैंसों का तबेला बुक कर दिया। सर बजट बजट। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इस खटारे में ही जबरदस्ती बैठना पड़ेगा। बच्चों चलो अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। मुझे विंडो सीट मिल गई। वेलकम टू खटपट एयरलाइंस। खटपट एयरलाइंस में आपका स्वागत है। विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है, कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। अरे विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है, और हमने अब तक सीट बेल्ट नहीं बांधी, तो चल जल्दी से बांध। अरे यहाँ बेल्ट नहीं, रस्सी रखी है। अरे ये प्लेन है या बस, कब से रोड पे चल रहा है? लगता है ये जमीन पर चलने वाला प्लेन है, उड़ने वाला नहीं। दुबे जी, ये प्लेन तो टेक ऑफ ही नहीं कर रहा है। क्या करे सर, इतना पैसा में इतना ही उड़ेगा ना। लगता है पायलट प्लेन को उड़ाना भूल गया। मर गए रे। लगता है रास्ता ठीक नहीं है।
तू बेची कहाँ फंसा दिया आपने? बच्चे डर रहे हैं। सर बच्चे नहीं, हम भी डर रहा हूँ। लगता है हमारा प्लेन किसी पेड़ से टकराया है और ये बंदर उसी पेड़ पे बैठा होगा। उबे जी, आपने हम लोगों के साथ साथ इस बंदर का भी टिकट बुक किया था क्या? नहीं सर, पता नहीं ये बंदर कैसे आ गया प्लेन के अंदर। अरे कुछ करो तू बेची, एयर हॉस्टेस को बुलाओ। सर कोई नहीं आ रहा है। जाइए जाके कैप्टन से बात कीजिए। सर सर, प्लेन में कैप्टन नहीं है। क्या? तो क्या प्लेन बंदर उड़ा रहा था? अब पता नहीं सर, लेकिन कैबिन में कोई नहीं है। बचाओ, बचाओ। एनिमल कार्गो मतलब? अरे मतलब जानवरों को ले जाने वाला प्लेन है ये। ये तो सच में कोई कैप्टन नहीं है। अरे प्लेन तो उल्टा हो रहा है। अरे इससे तो कुछ नहीं हो रहा है। कहीं बद्री और बुध प्लेन तो नहीं उड़ा रहे हैं? अरे वो लोग एक मक्की नहीं उड़ा पाते, प्लेन क्या उड़ाएंगे। हेलो 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 हेल्प हेल्प। नमस्कार, खटपट एयरलाइंस का ये झटपट इमरजेंसी कक्ष है, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? अरे इमरजेंसी कक्ष में बैठे हैं आप, अपनी बात में तो थोड़ी सी इमरजेंसी दिखाइए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बिना पायलट उड़ रहे प्लेन से। बिना पायलट से उड़ रहे प्लेन में बैठना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, इसमें प्लेन क्रैश होने की भी संभावना होती है। अरे हमें भाषण नहीं, हेल्प चाहिए, बताइए अब हम क्या करें? अरे आगे पहाड़ है। अरे कुछ कर। मुसीबत में, प्लेन में बंदर और नीचे समंदर, हमें बचाइए। प्लेन में बंदर कैसे आ गया? हमें क्या पता। अब समझा, आप लोग जिस विमान में सवार हो वो पैसेंजर प्लेन नहीं, जानवरों का प्लेन है। हाँ पता है, लेकिन बंदर कैसे पायलट बन गया? ये प्लेन पायलट के बैठने से पहले ही उस बंदर की वजह से टेक ऑफ हो गया था। अरे हमें ये बताओ कि हम इसकी लैंडिंग कैसे करें? हेलो हेलो, यार ये फोन भी कट गया, अब हम लैंडिंग कैसे करेंगे? अगर टेक ऑफ बंदर ने किया है तो लैंडिंग भी वही करेगा। अब तो यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा प्लेन लगेगा। अरे अब कोई प्लेन नहीं चाहिए, अब हम ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, बैलगाड़ी से जाएंगे, और अगर वो भी नहीं मिली तो पैदल जाएंगे, लेकिन प्लेन नहीं। चलो सब चलना शुरू करो। नहीं।